अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं एजी इनक्यूबेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको, क्योंकि ये इनक्यूबेटर का पार्ट टू है, जो हम 200 अंडों का इनक्यूबेटर बना रहे हैं उसका पार्ट टू है। पहले पार्ट में हमने शीट्स कटिंग की थी कि जो शीट्स कटिंग है वो कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर ये वाला जो एल्युमिनियम पेपर होता है, ये इस तरह का एल्युमिनियम पेपर होता है, वो मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हम इस जो ये जो शीट है इसके ऊपर हम कैसे पेस्ट करते हैं। और जुड़े रहिए वीडियो के साथ, इंशाल्लाह सबसे बहुत पहले आपके इंटरेस्टिंग वीडियो पास बनने जा इस रही है। टाइप की एल्युमिनियम शीट होनी चाहिए। इसको एल्युमिनियम फॉइल भी कहते हैं, एल्युमिनियम पेपर भी कहते हैं और इसको शीट भी कहते हैं, एल्युमिनियम शीट। दोस्तों, जब भी आप ये हार्डवेयर की शॉप से मिलती है, हर इलाके का आप डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है, और ये जो है ये आपको इजीली हर हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी। एक बात यहाँ पे याद रखें, जब भी आप लें, 1 फीट लें, 2 फीट लें, ये फीट के हिसाब से मिलती है। इसका जो दोस्तों बर होता है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होती है, वो होती है तकरीबन 2.5 इंच। इसकी 2.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है और लंबाई जितनी आप ले सकते हैं। जब भी आप ये खरीदें, पहली जो टिप्स है, जब भी आप खरीदें तो इसको आपने लंबा रोल करना। लंबे रोल से मुराद ये है कि आपने इसका जो रोल है वो लंबा बनाना है, ये इस तरह, यानी कि इसका आपने जो रोल है ये खुला बनाना है इस तरह। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये इसके अंदर जो ये इसको, यानी गुंजल टाइप होते हैं, ये बहुत कम आएंगे, ये इस तरह के। अगर बड़ा रोल बनाएंगे, छोटा रोल बनाएंगे, तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ बिल्कुल ऐसे लेयर सी होगी, ये इस तरह की, ये इस तरह की। तो ये जी, मैं सबसे पहले इसके ऊपर मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपके पास जो ये शीट का पीस होगा, आपने सबसे पहले इसकी सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद आपने इसके ऊपर ग्लू का पेस्ट करना है। ग्लू डिफरेंट कंपनी की भी होती है, इसको जो इंडियन हमारे दोस्त हैं वो इसको बोलते हैं फेविकोल, फेविकोल के नाम से इसको बोलते हैं। ये मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और ये इसको हमारे यहाँ ग्लू कहते हैं, जो लकड़ियों में यूज़ होते हैं, ये इस तरह। लोगों ने इस शीट को, यानी कि पेस्ट करने के लिए एल्फी वगैरह यूज़ करते हैं, वो होती बेस्ट है, लेकिन जो तरीका मैं, हाँ
इसके ऊपर वेट दे दिया है। नीचे वाली शीट भी मैंने इसी तरह ही रखी है और आप दोस्तों ने भी इसी तरह रखनी है। इसके सेंटर में अगर आप कोई और यानी कि पेपर रखना चाहें वो रख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, वरना कोई मसला नहीं है। अगर आपका पेपर इसी तरह पेस्ट होगा तो इंशाल्लाह कभी भी ये नहीं उतरेगा। तो इस तरीके से आपने करना है। इसके ऊपर अगर आप वेट रखना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये शीट है, अगर ये इसके ऊपर आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, अगर इससे बड़ी शीट है वो भी आप रख सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जितना आप वेट देंगे ये उतना बेस्ट पेस्ट होगी। मैं इस तरीके कर देता हूँ ये जी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। अब मैं इंशाल्लाह यही कहा करूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लाइक आपके बहुत कम होते हैं, तो दोस्तों इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो ज़रूर लाइक किया करें। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में।